One day I want to honestly say I made it. Abundance Stock Advisors. Let's make money. Hello friends. Abundance Stock Advisors में आपका स्वागत है. शेयर मार्केट के बारे में नई चीजें सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स ये बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए. फ्रेंड्स टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दे कि आप हमारे वेबसाइट से कुछ ट्रेनिंग ईबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये आपकी आज से एक इन्वेस्टर के तौर पर जिंदगी बदल सकते हैं फ्रेंड्स. ये ईबुक्स के टाइटल्स और डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. चलो फ्रेंड्स टॉपिक पे आते हैं. शेयर बाजारों में टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते समय याद रखिए कि डाउ थ्योरी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है. आपको ये समझना ही पड़ेगा एक इन्वेस्टर के तौर पर. फ्रेंड्स हम खुद डाउ थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम अपने क्लाइंट्स को स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं. इससे क्या होता है कि हमारी जो ओवरऑल एक्यूरेसी है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम चाहते हैं कि आप भी अपने स्टॉक सिलेक्शन में इस थ्योरी को जरूर यूज करें. तो ये थ्योरी चार्ल्स डाउ ने 1900 से 1902 के बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के 250 से ज्यादा एडिटोरियल से निकाली थी. चार्ल्स डाउ के मृत्यु के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के दूसरे संपादक विलियम पीटर हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया और ई जॉर्ज शेफर ने चार्ल्स डाउ के एडिटोरियल्स का ठीक से आयोजन किया और डाउ थ्योरी को रेडी कर दिया. तो अब आपके लिए डाउ थ्योरी का क्या महत्व है चलो समझते हैं. यह आपको बाजार के व्यवहार और दिशा को समझने में मदद करेगी. यह आपको बाजार में जो छुपे ट्रेंड्स है इसको परखने में मदद करेगी और आपको अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करने में यह हेल्प करेगी. थर्ड, डाउ थ्योरी का उपयोग करके बाजार का विश्लेषण करने से आपको यह पता चलने लगेगा कि बाजार के जो बड़े खिलाड़ी है ये कहां निवेश कर रहे हैं ताकि आप फिर उस डायरेक्शन में उन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर ये टॉपिक आपको डाउ थ्योरी को समझने में मदद करेगा और आप सीखेंगे कि कैसे मार्केट के ट्रेंड्स और स्टॉक के ट्रेंड्स को परखा जाता है और कैसे वॉल्यूम्स का भी इस्तेमाल करके आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं. फ्रेंड्स आपको यह पता चलेगा कि मार्केट आज के दिन किस डायरेक्शन में है और क्या यह सही समय है स्टॉक्स को खरीदने या फिर बेचने का. तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को देखने के बाद आपका स्टॉक मार्केट में जो ये डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ही इजी हो जाएगा. हमारी ये गारंटी है कि आज के बाद आप कभी भी स्टॉक मार्केट के जो ये बबल फेज क्रिएट होता है इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे और अपना पैसा नहीं गवाओगे. सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड. अब डाउ थ्योरी को इजीली समझा जा सकता है इसके छह मूल सिद्धांतों से और हम उन्हें एक एक करके यहां पर देखने वाले हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहला सिद्धांत है द मार्केट मूव्स इन थ्री ट्रेंड्स. डाउ थ्योरी मानती है कि मार्केट्स हमेशा ट्रेंड्स में मूव होते हैं. ट्रेंड मतलब एक स्टॉक की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वक्त के दौरान. और फ्रेंड्स ट्रेंड हो सकते हैं बुलिश या फिर बेरिश. एक ट्रेंड को हम अप ट्रेंड कहेंगे या बुलिश कहेंगे जब हमें वहां हायर हाइज और हायर लोज देखने मिलेंगे. उदाहरण के तौर पे जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट देखेंगे फरवरी 2016 और अगस्त 2016 के बीच. तो जेएसडब्ल्यू स्टील अप ट्रेंड में था क्योंकि हर हाई उसके प्रीवियस हाई से ऊंचा था और उसका हर लो उसके प्रीवियस लो से ऊंचा था. ठीक इसी प्रकार एक ट्रेंड को हम
डाउन ट्रेंड या बेरिश कहेंगे जब हमें वहां लोअर हाइज और लोअर लोज देखने मिलते हैं। जेट एयरवेज का उदाहरण लेते हैं, जनवरी 2018 और अगस्त 2018 के बीच जेट एयरवेज डाउन ट्रेंड में था क्योंकि उसका हर हाई उसके प्रीवियस हाई से नीचे था और उसका हर लो उसके प्रीवियस लो से नीचे था। अब जब हम समझ गए हैं कि ये ट्रेंड्स क्या है तो देखेंगे कि कैसे डाओ थ्योरी ने मार्केट्स को थ्री टाइप्स के ट्रेंड्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड्स। और इसको समझने के लिए हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, अक्टूबर 2004 से जून 2007 के बीच। तो पहला ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड, ये हमारा मेन ट्रेंड है, ये बुलिश या बेरिश हो सकता है, ये 6 महीने से लेकर कई वर्षों तक चल सकता है और ये तब तक सक्रिय रहेगा जब तक कि ट्रेंड बदल ना जाए। यहां हम देख रहे हैं कि प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, सेकेंडरी ट्रेंड दूसरा ट्रेंड ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर होता है और प्राइमरी ट्रेंड से ये उल्टी दिशा में चलता है, इसे प्राइमरी ट्रेंड के करेक्शन के रूप में भी देखा जाता है। इसकी अवधि प्राइमरी ट्रेंड से काफी कम होती है और ये कुछ दिन से लेकर महीनों तक चल सकता है। यहां ये रेड एरोज से हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड एक गिरावट के रूप में आया है कई दफा प्राइमरी ट्रेंड में। तीसरा है माइनर ट्रेंड्स, ये सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर होता है और सेकेंडरी ट्रेंड से उल्टी दिशा में चलता है, इसे सेकेंडरी ट्रेंड के करेक्शन के रूप में देखा जाता है और इसकी अवधि सेकेंडरी ट्रेंड से काफी कम होती है और ये 10 दिन से लेकर कुछ चंद महीनों तक चल सकता है। यहां ये ब्लू सर्कल बता रहे हैं कि ये जो माइनर ट्रेंड है ये बुलिश है, ऊपर के डायरेक्शन में है, जो कि ये सेकेंडरी ट्रेंड रेड वाले एरो से बिल्कुल विपरीत जा रहा है। तो डाओ थ्योरी कहती है कि बाजार हमेशा ये तीन ट्रेंड्स दर्शाते हैं, बस इन्हीं ट्रेंड्स का पालन करके मार्केट्स चलते हैं। अगर आप ये तीन ट्रेंड्स पढ़ना सीख गए तो आप मार्केट के मूवमेंट्स को बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे। अब प्राइमरी ट्रेंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझते हैं जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का सही समय कब है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनो डाओ थ्योरी का दूसरा सिद्धांत, द प्राइमरी ट्रेंड हैज थ्री फेजेस। प्राइमरी ट्रेंड के तीन फेज होते हैं, अक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और पीक यानी कि बबल। इन तीन फेजेस को समझते हैं इस निफ्टी के चार्ट से 2003 से 2009 के बीच। सबसे पहला है द अक्यूमुलेशन फेज, यह चरण शुरू हुआ 2003 के बीच और चला 2004 तक। इस चरण के दौरान अच्छे वेल इंफॉर्म्ड इन्वेस्टर्स भारी संख्या में बाइंग करते हैं, ये बुल रैली की फ्रेंड शुरुआत होती है और इसे ज्यादातर इन्वेस्टर्स परख ही नहीं पाते। दूसरा फेज है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, यह चरण 2004 से लेकर 2007 के बीच तक चला। यह अक्यूमुलेशन फेज के बाद आता है और इस दौरान पूरे बाजार की भावनाओं और ये कंप्लीट अर्थव्यवस्था में आपको सुधार दिखाई देता है। बहुत से इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स यहां शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। यह फेज सबसे बड़ा होता है और इस दौरान स्टॉक्स तेजी से दौड़ने लगते हैं। यहां पता चलने लगता है कि अब बुल रैली शुरू हो गई है। इस फेज को कई टेक्निकल एनालिस्ट्स और ट्रेंड फॉलोअर्स सपोर्ट करते हैं और यहां हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स देखते हैं पूरे कंप्लीट ओवरऑल ट्रेडिंग में। तीसरा फेज है पीक या बबल,
इस चरण की शुरुआत 2007 के बीच हुई और यह चला जनवरी 2008 तक। यह अंतिम चरण है जहां पूरा शेयर बाजार एक सोने की खदान सा दिखता है। रोड पे का हर बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करता है। स्टॉक्स बहुत ही महंगे हो जाते हैं लेकिन इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि एक महीने में जैसे ये डबल ही होने वाले हैं। वास्तव में ये फ्रेंड्स प्राइमरी ट्रेंड का अंतिम चरण होता है जिसके बाद ट्रेंड का बदलना तय है और मार्केट बुरी तरह से गिरने के लिए पूरी तैयार से सेट है। बुल रैली खत्म। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे निवेशक इस चरण में फंस जाते हैं और अपना सारा पैसा खो देते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चार्ट पर कैसे मार्केट जनवरी 2008 से गिरना शुरू हुआ। ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस दौरान इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट्स में और वो आज तक अपना पैसा रिकवर ही नहीं कर पाए। अगर उन्होंने उस समय डाउ थ्योरी की पहचान होती तो शायद वो आज विनिंग साइड पर होते। तो किसी भी समय बाजार में प्रवेश करने से पहले एक निवेशक को डाउ थ्योरी का उपयोग करके बाजार के फेस का सही अनुमान जरूर लगाना चाहिए और फिर ही उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स मिल गया है आपको अभी एक हथियार, अब इसका इस्तेमाल आप सही तरीके से कीजिए। अब ये तीनों फेजेस में हमें केवल इंडेक्स में ही नहीं बल्कि ये इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी हमें ये तीनों फेजेस देखने मिलते हैं। चलो उदाहरण लेते हैं जेट एयरवेज का, अक्टूबर 2008 से सितंबर 2011 के बीच। जेट एयरवेज अक्यूमुलेशन फेज में था 2008 से लेकर मई 2009 तक। फिर स्टॉक शिफ्ट हुआ पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में जहां बहुत बड़े हमें वॉल्यूम्स दिखाई देने लगे और फिर बबल पीक फेज शुरू हुआ अगस्त 2010 में और चला 2010 दिसंबर तक। यह प्राइमरी ट्रेंड का लास्ट फेज था और उसके बाद स्टॉक तेजी से गिर गया। तो अब आप जानते हैं कि आपने स्टॉक कब और कौन से फेज में खरीदना चाहिए। आज के बाद आपका टाइमिंग कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं डाउ थ्योरी का तीसरा सिद्धांत, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इस पॉइंट का मतलब है कि स्टॉक की कीमतें ही अंतिम सत्य है। स्टॉक के आज के डेट की प्राइस भूत वर्तमान और भविष्य से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस सिद्धांत का सीधे सीधे मतलब यह है कि अगर आपने स्टॉक के चार्ट को ठीक से परख लिया है तो फिर आपको इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, फंडामेंटल्स, करेंसी वैल्यूएशंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ऑयल का भाव, सेंटिमेंट्स एटसेट्रा, इनका अभ्यास करने की जरूरत है ही नहीं। आप मान के चलिए कि स्टॉक की प्राइस ने इनको कंसिडर कर लिया है ऑलरेडी, अब आपको इनकी अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथा सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मेशन बाय इंडाइसिस। यह सिद्धांत बताता है कि प्राइमरी ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल तब तक कंफर्म नहीं होता है जब तक दूसरे इंडाइसिस हमें यह कंफर्मेशन नहीं देते। एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर भारतीय बाजारों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। निफ्टी इंडेक्स में भी बैंकिंग सेक्टर का वजन बहुत ही भारी है। तो डाउ थ्योरी के अनुसार निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म है यह देखने के लिए बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देना चाहिए। यह चार्ट देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अगस्त 2008 से अगस्त 2018 के बीच। रेड कलर में निफ्टी है और काले कलर में बैंक निफ्टी है। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि निफ्टी के हर ट्रेंड रिवर्सल को बैंक निफ्टी ने कंफर्म किया है। तो जब निफ्टी गिरा है तो बैंक निफ्टी भी गिरा है और जब निफ्टी बढ़ा है तो बैंक निफ्टी भी साथ में बढ़ा है। दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं।
तो पॉइंट यह है कि एक ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए दोनों इंडेक्सेस को एक साथ एक डायरेक्शन में चलना होगा, वरना ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। पांचवा सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मेशन बाय वॉल्यूम। इस सिद्धांत के अनुसार अगर एक ट्रेंड को बड़े वॉल्यूम्स का सपोर्ट है तो वो ट्रेंड बहुत ही ताकतवर होता है और ज्यादा टाइम चलता है। यह सिद्धांत यह भी दर्शाता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका समर्थन बड़े वॉल्यूम्स करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप सन फार्मा का चार्ट देखोगे मई 2017 से सितंबर 2018 के बीच, तो पता चलेगा कि हर मुख्य ट्रेंड रिवर्सल जो कि हम यहां ये ब्लू सर्कल्स में देख रहे हैं उसका बड़े वॉल्यूम्स ने समर्थन किया है। बड़े वॉल्यूम्स आप चार्ट पर ये ग्रीन एरोज के स्पाइक्स के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए वो ट्रेंड रिवर्सल सक्सेसफुल हुआ और ज्यादा समय तक टिक पाया। डाउ थ्योरी का छठा और आखिरी सिद्धांत है ट्रेंड्स रिमेन एक्टिव अंटिल अ क्लियर सिग्नल ऑफ रिवर्सल इज फॉर्म्ड। इसका सीधा मतलब यह है कि एक ट्रेंड तब तक चलता है जब तक कि हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के संकेत ना दिखे। एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं अक्टूबर 2015 और फरवरी 2016 के बीच, तो हमें पता चलता है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड चेंज हुआ, रिवर्सल सिग्नल मिला, लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन खत्म हो गई और मार्च 2016 से एक क्लियर संकेत मिला प्राइमरी ट्रेंड रिवर्सल का। तो यह पॉइंट हमें सिखाता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल कभी भी आ सकता है और हमारे पास टेक्निकली कैलकुलेटेड क्लियर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी स्टॉक के। इमोशंस का कोई रोल नहीं होना चाहिए यहां। तो हमारे क्लाइंट्स को एंट्री पॉइंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम उन्हें सही वक्त पे स्टॉक रेकमेंड करते हैं। और जहां तक फ्रेंड्स एग्जिट पॉइंट का सवाल है, हम उन्हें सही एग्जिट स्ट्रेटजीज भी बताते हैं जिससे कि वो सही वक्त पर स्टॉक से बाहर निकल सके। फ्रेंड्स, हम खुद डाउ थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने क्लाइंट्स को स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं। इससे हमारी जो ये ओवरऑल एक्यूरेसी है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम करने के लिए। अब कुछ मोटिवेशन। वन डे आई वॉन्ट टू ऑनेस्टली से आई मेड इट, कर दिया मैंने। होशियारी आपको कहीं नहीं ले जाएगी, दीवानापन दिखाइए, पागलपन, और एक दिन कहिए आई मेड इट। फ्रेंड्स, आपको फिर से याद दिला दे, आप हमारे वेबसाइट से कुछ ट्रेनिंग ईबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपकी आज से जिंदगी बदल सकते हैं। ये ईबुक्स के टाइटल्स और डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शेयर मार्केट के बारे में नई चीजें सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हम जवाब जरूर देंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और जय हिंद।